स्वागत है बच्चों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 2, और जिसका नाम है पॉलीनोमियल। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले बात, पॉलीनोमियल में हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि बेसिक जो होगा सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो होगा इसमें हम लोग डिग्री के कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है जी। थर्ड जो होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि कोफिशियंट का पढ़ेंगे थोड़ा सारा। ये सारा आपका इंट्रोडक्शन के अंदर ही आ जाएगा। उसके बाद जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। और देन होगा रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, लाइक रिलेशन जो होगा हमने वो वाला आपको करके दिखाना है, ठीक है जी। तो ये है हमारा जो आज का लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग बेसिक सबसे पहली बात के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, वो देखते हैं क्या है। चलो अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात, अगर आपके पास टर्म यह आ रही है तो इस टर्म को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। क्या आएगा कि सबसे पहली बात ये आ जाएगी दो टर्म्स, मतलब पॉली, और सेकंड आती है नॉमियल्स, ठीक है, या आप लिख सकते हो नॉमियल। तो पॉली का एक्चुअल मीनिंग होता है मैनी, पॉली मीन्स मैनी, और नॉमियल्स का मतलब है टर्म्स, मैनी टर्म्स। जब हम पॉलिनोमियल को कंबाइन करेंगे तो जब हम इकट्ठा बोलेंगे तब जाके हमारे पास इसका जो आंसर आता है कि इसका मीनिंग क्या है वो होता है मैनी टर्म्स, ठीक है जी। अब इसके अंदर देखेंगे कि पॉलिनोमियल के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज आती है। सबसे पहली बात कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा तो फर्स्ट टाइप आती है हमारे पास मोनोमियल, सेकंड टाइप बाइनोमियल, बाइनोमियल, थर्ड टाइप ट्राइनोमियल, फोर्थ टाइप क्वाड्रिनोमियल, ठीक है जी। ये जो है ये वाली आपके पास पॉलिनोमियल की टर्म्स आती है, आगे टाइप्स आती हैं। और एक चीज का ध्यान रखेंगे कि इन सबको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है जी, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, तो अब हम लोग देखेंगे कि टाइप जो है वन बाय वन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहली टर्म आपके पास पॉलिनोमियल के अंदर टाइप जो आती है वो आती है मोनोमियल। तो मोनोमियल होता है आ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल विच कंटेन्स वन टर्म, एक टर्म, और इसको लिख सकते हैं कि सिंगल टर्म। जैसे एग्जाम्पल इसकी देखते हैं, एक्स हंड्रेड, एक्स वाई, लाइक सिंगल टर्म, ठीक है जी, ये भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि मोनोमियल का मीनिंग क्या होता है, अ पॉलिनोमियल विच कंटेन वन टर्म और सिंगल टर्म, ठीक है जी। सेकंड टाइप देखते हैं इसकी, सेकंड टाइप हमारे पास क्या बनती है, सेकंड टाइप आती है बाइनोमियल,
बाइनोमियल। आप पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल विच कंटेन्स टू टर्म्स, जिसमें दो टर्म्स होती हैं। एग्जाम्पल x प्लस वन, टू एक्स प्लस थ्री एटसेट्रा। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड टाइप। थर्ड टाइप इसी का आता है ट्राइनोमियल। अब बच्चा जी, ट्राइनोमियल में क्या होता है, आप पॉलीनोमियल विच कंटेन्स थ्री टर्म्स, जिसमें तीन टर्म्स होती है। ठीक है जी। ठीक है बच्चा जी। अच्छा, देखेंगे इसमें एग्जांपल, टू एक्स स्क्वायर ले लो प्लस थ्री एक्स प्लस वन, तो ये आपके पास आपका ट्राइनोमियल आ जाएगा। कि ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें तीन टर्म्स होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखेंगे इसका, फोर्थ टाइप। अब फोर्थ टाइप क्या होता है, वो होता है क्वाड्रिनोमियल। अब क्वाड्रिनोमियल क्या होता है, आप पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल विच कंटेन्स मोर देन थ्री टर्म्स, जिसमें तीन से ज्यादा टर्म्स होती है। एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो ये क्या आ गया आपके पास, क्वाड्रिनोमियल। तो जो भी है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल, ऑल ऑफ दीज आर पॉलीनोमियल। इनको क्या कहा जाता है, कि ये क्या है, पॉलीनोमियल। ठीक है जी। अब देखेंगे बच्चा जी, जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलीनोमियल। ठीक है, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलीनोमियल। तो जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या आती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है जी। अब यहां पे ये क्या है, ये आपके पास है कांस्टेंट टर्म। ठीक है। उसके बाद ये क्या आ गया आपके पास, वेरिएबल। ठीक है। ये सेंटर में क्या आ गया आपके पास, ऑपरेशंस, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इक्वेशन को बनाने के लिए। अब यहां पे देखेंगे कि यहां पे क्या आता है, कि आपके पास x की पावर 2 है। x की पावर 2 दैट मींस के वो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। याद रखना बच्चा जी, जब भी पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी, उसको आपने क्या बोलना है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है जी। ठीक है जी। और अब मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ा डिग्री का भी कंसेप्ट दूंगा इसमें, और कोफिशिएंट्स के बारे में बात करेंगे आज। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास जैसे अगर पॉलीनोमियल की बात करें, पॉलीनोमियल की, तो पॉलीनोमियल के अंदर ही आपके पास एक आता है लीनियर और एक आता है आपके पास क्वाड्रेटिक। ठीक है जी। जब आप क्वाड्रेटिक को लिखते हो, क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन आपके पास ये वाली आ जाएगी। ठीक है। अगर आप लीनियर की बात करते हो, तो लीनियर की जो इक्वेशन होगी वो आएगी ए एक्स प्लस बी। क्यों, क्या रीजन है, इक्वेशंस अलग अलग क्यों है पॉलीनोमियल की टाइप्स है, लेकिन आपके पास ये क्या है कि ए एक्स प्लस बी और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
मैंने आपको अभी ये चीज बोला था कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। और यहां पे क्या है कि वो वाला पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी, अब यहां पे है हमारे पास ए एक्स प्लस बी, अब ए एक्स प्लस बी तो एक्स की पावर क्या आ जाती है यहाँ पे 1, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर क्या होगी 1, मतलब वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। यहां पे ये भी जो है ये क्या है कांस्टेंट, ठीक है, ये आपका वेरिएबल है और ये आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू है जो कि वेरिएबल के साथ है, ठीक है जी। अच्छा ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि थोड़ा डिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे कि जो पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री का कंसेप्ट आता है वो हम लोग देखेंगे। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, इसमें आपने याद रखना है पावर। जब भी डिग्री की बात की जाएगी तो समझ लेना क्या बोला गया है, पावर के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल याद रखेंगे कि हमारे पास पहला जिसकी डिग्री 1 आएगी, हाईएस्ट डिग्री 1 आएगी, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी पावर क्या आएगी, पावर 1। सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पावर होगी 2, ठीक है जी। उसके बाद आता है आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल इसमें आपकी पावर आ जाएगी 3। नेक्स्ट आपके पास आता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसकी पावर आती है, हाईएस्ट पावर जो होती है वो आती है 4, ठीक है जी। तो अब मैं एक चीज देखूंगा कि आपको कुछ एग्जांपल्स का इस्तेमाल करके डिग्री या पावर ऑफ पॉलिनोमियल का कंसेप्ट दूंगा, वो देखेंगे। अच्छा जी, तो यहां पे हमारे पास आता है कि जैसे मैंने एक लिखा, कोई एक एग्जांपल लिखी है, यहां पे बोला गया हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री, ठीक है जी। तो पहला हमारे पास आता है 2x² + 3x³ + 4x + 1। अब यहां पे आपके पास हाईएस्ट डिग्री क्या आ गई, 3, मतलब हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इसको हम कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है जी। सेकंड, अब देखेंगे 2x² + 3xy² + 2x + 1। अब बच्चा जी यहां पे डिग्री हाईएस्ट की बात की जाएगी, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना कि क्या चीज है। अब यहां पे x की पावर 2 है, यहां पे y की पावर 2 है, मतलब पावर तो 2 है लेकिन यहां पे y की पावर 1 है, यहां पे x की पावर 1 है। कहने का क्या है कि दोनों की पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो इसकी भी हाईएस्ट डिग्री आ जाएगी 3, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। थर्ड, 2x² + 3x + 1। अब यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो 2 वाला क्या आएगा हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है जी। ठीक है बच्चे जी, तो ये हमारे पास रहे कुछ कंसेप्ट कौन से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तक के। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोफिशिएंट्स के बारे में कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, देखेंगे कि यहां पे अगर हमारे पास कोई एक एग्जांपल में ले रहा हूं कि जैसे है 2x² y,
आपको बोला गया है कि जी कोफिशियंट ऑफ वाई निकालो, कोफिशियंट ऑफ वाई। सबसे पहले एक मैं आसान एग्जांपल देता हूं, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। टू वाई, टू वाई प्लस थ्री एक्स। तो अगर आपको बोला गया कोफिशियंट ऑफ वाई निकालना है तो आपने लिखना है टू। अगर इसी केस में आपको बोला गया है कोफिशियंट ऑफ एक्स तो आपने लिखना है थ्री। याद रखना, अगर सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल के केस में कि अगर आपके पास सिंगल वेरिएबल के साथ में जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी उसको आपने क्या काउंट करना है, कोफिशियंट। याद रखना, सिंगल वैल्यू, सिंगल वेरिएबल के केस में। अब सेकेंड हमारे पास आता है कि टू एक्स के, टू एक्स स्क्वायर वाई, थ्री एक्स वाई प्लस फोर एक्स प्लस फाइव वाई प्लस टू, ठीक है। या आप ऐसे कर लो कि इसको रखो एज ए, साथ में लिखो आप यहां पे टू। तो जब भी आपको यहां पे ये केस आएगा, इसको ओपन करके लिख देता हूं मैं, क्या है क्वेश्चन सेकेंड, 2x स्क्वायर वाई प्लस 3xy, ठीक है जी, ये 3xy स्क्वायर। अब इस केस में जब आपको बोला जाएगा कि कोफिशियंट ऑफ ऑफ x लिखे, तो आपने क्या करना है, x देखना है किसमें है, इसमें x नहीं है, इसमें x स्क्वायर है, लेकिन यहां पे क्या है, x है। तो आपने क्या करना है, जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो तो आएगी ही आएगी, उसको लिखेंगे, साथ में जो ये वाली वैल्यू है y स्क्वायर, ये भी हमने लिखना है इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट, कोफिशियंट ऑफ y स्क्वायर, y स्क्वायर का कोफिशियंट कौन सा, y स्क्वायर का है यहां है, तो इसका कोफिशियंट क्या आ जाएगा, वेरिएबल के साथ में न्यूमेरिक वैल्यू। अच्छा जी, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात की जाएगी तो आपके पास क्या आएगा, ये आ गया एक्स स्क्वायर, बच गए कौन से, टू और वाई, ठीक है। फिर अगर कोफिशियंट ऑफ वाई बोला जाएगा तो आपने लिखना है टू एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चा जी। अच्छा, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बेसिक क्या क्या पढ़ा है, इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने पॉलीनोमियल के टाइप्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद आपने उसके अंदर क्या चीज पढ़ी है कि हमारे पास टाइप्स के अंदर क्या चीज आती है, कौन कौन सी टाइप्स होती है, फिर डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल पढ़ा, और उसके बाद आपने क्या चीज पढ़ी है कि कोफिशियंट ऑफ पॉलीनोमियल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है आज का खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल और उनके बीच में रिलेशंस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।